अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली गाइस, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगी, खैर खैरियत से होंगी। हम भी अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और गाइस देखिए, आज है चांद रात, आज चांद रात है, सहरी का टाइम भी देखिए ख़त्म हो गया, सायरन बोल लिया। देखिए अभी फजर की अजान हुई नहीं है, अभी देखिए सहरी का वक्त भी ख़त्म हो गया। और देखिए मैं कमरे के सारे पर्दे उतार लिए मैंने, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए आज मैं सहरी में ही ये काम करूँगी, पर्दे धोऊँगी और देखिए सोफ़े के कवर भी उतार लिए मैंने। वैसे तो मैं नए कवर ही डालूँगी सोफ़ों पे, लेकिन ये वाले भी धो लूँगी, इनको भी वॉश कर लूँगी। और अभी मुझे नमाज़ पढ़ने के बाद ये कारपेट भी छत पे ले जाके इसको भी धोना। देखिए गाइस इतना काम है कि माशाल्लाह काम ही काम है। अब ये भी मैं मशीन में डाल देती हूँ सोफ़े के कवर। आज भी उठ गया आज, चलिए गाइस मशीन में डाल दो बेटे ये कवर, मशीन में डाल दो। चलो देखिए मेरा आज मेरी हेल्प कराता, डाल दो बेटे मशीन के अंदर। ये चेक कर लेना पानी कम तो नहीं है। हाँ एक एक करके डाल दो, एक एक करके डालो। अगर पानी कम हो तो और खुलेगा थोड़ा सा, नहीं तो इतना ही रहने देना। देखिए गाइस मैंने कारपेट हटा दिया है, ये ग्रीन वाला हमारा। और देखिए कितनी डस्ट निकली, इसके नीचे से इतनी डस्ट निकली थी ढेर। और कारपेट वो है, अब मैं छत पे ले जाके ना उसे वॉश करूँगी। देखिए कितनी डस्ट है, कितनी मोटी लेयर डस्ट की निकली इसके नीचे से। देखिए सुबह को सर्फ डाल के सारा फर्श धोऊंगी, उसके बाद फिर कारपेट बिछेगा। देखिए गाइस हम छत पर आ गए हैं और अभी सनराइज भी नहीं हुआ है, बस होने वाला है। देखिए और देखिए ये आर्श है, ये आ गए हैं छत पे पतंग लेके अपनी। और देखिए मैंने कमरे की कारपेट उठा के अब मैंने ये डाल दिया, उनको वॉश करूँगी मैं। और अभी बज रहे हैं 6, सुबह के 6 बज रहे हैं, अब मैं इन्हें वॉश करके ना यही डाल दूँगी, यही छत पे वॉल पे डाल दूँगी। और मैं जब ये धूप निकलेगी ना तो सूख जाएंगे सुबह तक। देखिए गाइस ये मैंने बनाया है सर्फ का पानी, अब ये पानी इसके ऊपर डालेंगे ना, ये झाड़ों से धुलाई होगी इसकी। देखिए गाइस ये अर्श ना मेरे साथ आए थे कि मम्मी आपकी हेल्प कराऊंगा। और देखिए देखिए काइट फ्लाइंग हो रही है, देखिए देखिए तो ऊपर पतंग कर ली इसने अपनी, तुम्हारी काइट तो दिखी नहीं रही इसमें। अरे वाह पूरा झुंड गया बर्ड्स का। देखिए गाइस हमारे कारपेट धुल गए हैं, देखिए कितने क्लीन हो गए हैं ना, बहुत मेहनत लगी ना धोने में। देखिए मैंने इन्हें यहाँ डाल दिया है वॉल पर,
अब सुबह को जैसे जैसे धूप निकलेगी ये दोपहर तक अपने आप सूख जाए। फिर मैं नीचे डस्टिंग करूँगी सुबह को और उसके बाद फिर इन्हें बिछाऊंगी कमरे में। साफ होगा एकदम। और देखिए ज़रा अर्श की काइट कितनी पार कर ली अर्श ने। एक और उड़ लगी और एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ अर्श से पेच कर रहा है। पेच ये है अर्श के दोस्त का भाई। आप तुम्हारे फ्रेंड का भाई तो है। और देखिए सनराइज भी सनराइज हो गया। कितना प्यारा लग रहा है सन। तो अच्छा लग रहा। तो गाइस चलते हैं नीचे और अभी हमें व्लॉग भी अपलोड करना है। उसके बाद सो के फिर हम मिलते हैं आपसे उठने के बाद। देखिए चील चील जा रही है। ये आज चांद रात है गाइस। आप सभी को चांद रात मुबारक। और देखिए आज मुझे बहुत देखिए सारी ये क्लीनिंग करनी है। बस अब मैं जा रही हूँ और ये सब डस्टिंग करूँगी। उसके बाद रात मैंने सोफे के कवर और इधर के कर्टन सब धो दिए थे वो सब लगाऊँगी। और देखिए मैट भी हटा दिया था। रात आपको दिखाया था मैंने यहाँ का वाइपर करना है मुझे। पहले मैं जा रही हूँ किचन की क्लीनिंग करके इधर आती हूँ। और देखिए रात अर्श पूरी रात मेरे साथ जागा, उसने काम भी कराया। फिर हम सोए 8:30-9 बजे सोए। तो फिर अब मैं उठ गई हूँ। मैं सारे अपने काम जल्दी जल्दी फिनिश करती हूँ। देखिए गाइस कारपेट हटाने वाली इतनी डस्ट थी यहाँ पर और रात भी मैंने वाइपर करा था और एक बार मैं अब और कर रही हूँ तब भी इसकी धूल नहीं जा रही। और एक बार मैं करूँगी सुबह में और या रात में कर दूँगी। देखिए आज देखिए चांद रात है और आज ये है लास्ट इफ्तार। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, मैंने बस पकौड़ी बनाई थी और कस्टर्ड और मैंने कुछ नहीं बनाया था। तो पकौड़ी मेरी फ्राई हो रही हैं। मैंने थोड़ी सी आज मिर्च और बैंगन की पकौड़ी बहुत टेस्टी बनी थी, मैंने आज दोबारा बनाई थी, कल भी बनाई थी। और यहाँ मैंने कस्टर्ड बना के रख दिया था फ्रिज में। मैं इसमें बनाना काट के डाल रही हूँ और ये कस्टर्ड ही बहुत अच्छा बना था लेकिन थोड़ा सा बच गया था, फ्रिज में ही रखा था। मैंने सोचा रात में देर तक काम करेंगे, ईद की अपनी तैयारी करेंगे, कोई खा लेगा, उनके डैडी खा लेंगे। अर्श के अर्श खाता नहीं है कस्टर्ड। तो बस मैं जल्दी जल्दी अपने काम कर रही थी क्योंकि हो गई थी देर। और आज मैंने बनाए थे दाल, तो मैंने बना ली थी अरहर की डिनर के लिए। और चावल मैंने भिगो दिए थे कि मैं चावल जब खाएंगे तभी बनाऊंगी घर में। तो दाल भी बहुत टेस्टी बनी थी। आज भी कह रहा था मम्मी आज दाल बहुत अच्छी बनाई, आज को अच्छी लगती है अरहर की दाल। आज बस मूड है, मूडी हैं, कभी उनको कुछ अच्छा लगता कभी कुछ अच्छा लगता, कभी उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो आज पकौड़ी हमारा खाता नहीं है बिल्कुल भी और कस्टर्ड भी नहीं खाया था इसने। तो मैंने इसलिए जल्दी ही दाल बना ली थी कि अर्श दाल चावल खा लेगा। तो इसने नमाज के बाद मगरिब की खाना खा लिया था बस। तो बस आज आखिरी थी पकौड़ियाँ बनाना भी ये और फिर वही रूटीन शुरू। और चाकर भी नहीं बना पाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा इफ्तार भी लग गया था। अभी अजान में वक्त था और अर्श को ये हो रहा था जल्दी से नमाज हो और फिर मैं छत पे जाके चांद देखूँ। तो मैं भी नमाज के बाद चांद देखने जाती ज़रूर हूँ। तो आज देखते हैं हम चांद किधर दिखाई देता है। तो गाइस इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में, ईद के व्लॉग में। और आप सभी को
चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे चैनल को आप सब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम छत पर आ गए थे नमाज़ पढ़ने के बाद, देखिए चांद नज़र आ गया है, ईद का चांद। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, उसके साथ एक तारा भी है, बहुत ही खूबसूरत चांद है। और देखिए चांद देखने के साथ ही लोगों ने यहाँ ये पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये भी कलरफुल। कितने खूबसूरत लग रहे हैं आसमान में।